13 सितंबर 1929 का वो दिन जब लाहौर सेंट्रल जेल में एकदम सन्नाटा पसर गया, क्योंकि एक 25 साल के युवा क्रांतिकारी ने 63 दिनों के अनशन के बाद अपना दम तोड़ दिया था। वहीं उसके चाहने वालों की तादाद देखकर ब्रिटिश साम्राज्य के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इससे पहले लाहौर शहर ने इतना लंबा जुलूस नहीं देखा था। शहर के साथ ही पूरे देश में गम का माहौल छा गया था। हर भारतीय अपने युवा क्रांतिकारी के लिए आंसू बहा रहा था, वो भी ऐसा क्रांतिकारी जिसने हमेशा अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर किया हो। मगर अफसोस, अब वो इनके बीच नहीं रहा। वो बहादुर सिपाही कोई और नहीं बल्कि जतिंदा के नाम से मशहूर आजादी का जुनूनी सिपाही जतिंद्र नाथ दास था। तो आइए इतिहास के पन्ने एक बार फिर से पलटते हैं और जतिंद्र नाथ दास को जरा नजदीक से जानते हैं। पढ़ाई के दौरान ही असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। जतिंद्र नाथ दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता में हुआ था। इनके परिवार के लोग दक्षिण कलकत्ता में भवानीपुर गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम बंकिम बिहारी दास और मां का नाम सुहासिनी देवी था, जो एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। दास की उम्र जब 9 वर्ष की थी तो माता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद इनकी देखभाल पिता ने की। 1920 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली। वे आगे की पढ़ाई कर ही रहे थे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद ये भी इस आंदोलन में कूद पड़े। इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब ये आंदोलन खत्म हुआ तो इनको जेल से रिहा कर दिया गया। आगे चलकर ये दोबारा से कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने चले गए। हालांकि इनके अंदर का जोश अभी भी देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए उबाल मार रहा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बने। कॉलेज में दोबारा अध्ययन करने से इनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर क्रांतिकारी नेता शचिंद्र नाथ सान्याल से हुई, जिनसे ये काफी प्रभावित थे और लगातार उनके संपर्क में बने रहे। आगे सान्याल ने एक संस्था का निर्माण किया जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना गया। इस संस्था को बनाने में दास ने अहम किरदार निभाया था। इसके सदस्य रहते हुए बंगाल में कई क्रांतिकारियों को जोड़ा और संस्था को मजबूत किया गया। इन्होंने अपने दल को मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों से लूट मारकर फंड भी इकट्ठा कर लिया था। दास ने अपने कामों से जल्द ही पार्टी में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। फिर कई आंदोलनों और क्रांतिकारी कामों में जोश के साथ हिस्सा लेने लगे। दिलचस्प बात यह थी कि इस दौरान इन्होंने बम बनाना भी सीख लिया था। आगे चलकर इनको 1925 में काकोरी कांड के लिए गिरफ्तार किया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। इन्होंने जेल में क्रांतिकारियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहारों को देखा, जिससे इनको बड़ा दुख हुआ। ये सब देखने के बाद दास ने इसके खिलाफ अपना अनशन शुरू कर दिया। अनशन पर रहते हुए इनको 20 दिन बीत चुके थे, लेकिन ये युवा क्रांतिकारी कहां हार मानने वाला था। दास के इस साहस को देखते हुए मजबूरन जेल अधीक्षक ने माफी मांगी और 21वें दिन इनको जेल से रिहा कर दिया। भगत सिंह के लिए बनाया बम। सान्याल के करीब होने के बाद जतेंद्र नाथ दास भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के भी नजदीक आ गए। 1928 में दास नेताजी के साथ कोलकाता में कांग्रेस दल के लिए काम करने लगे। आगे जब भगत सिंह ने उन्हें बम बनाने के लिए आगरा आने का निमंत्रण दिया तो वो कोलकाता से आगरा चले आए। 1929 में जो बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर फेंके थे, वो बम जतेंद्र नाथ दास के द्वारा ही तैयार किए गए थे। 14 जून 1929 को दास को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जेल में डाल दिया। जब इन्हें जेल में डाला गया तो इन्होंने फिर से कैदियों के साथ होने वाली बदसुलूकी को देखा और बहुत दुखी हुए। एक तरफ जहां ब्रिटिश कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती थीं, वहीं क्रांतिकारी कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनके कपड़े कई कई दिनों तक बदले नहीं जाते थे। उनकी बैरकों में गंदगी का अंबार लगा रहता था। यहां तक कि जिस जगह पर खाना बनता था वहां पर चूहों व अन्य कीड़े मकोड़ों की भी भरमार होती थी। कुल मिलाकर कैदियों के साथ इंसानों जैसा सुलूक नहीं होता था, बल्कि उनकी स्थिति जानवरों से भी दयनीय थी। बहरहाल अंग्रेजों का यह दुर्व्यवहार देखकर दास चुप नहीं रहे और फिर से इन्होंने अनशन शुरू कर दिया। 63 दिनों तक दोबारा अनशन रखा। इस बार दास का यह अनशन 13 जुलाई 1929 को शुरू हुआ। इस दौरान जेल कर्मियों द्वारा इनको खाना खिलाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, मगर इस क्रांतिकारी के मकसद को वो तोड़ने में असफल रहे।
कहा जाता है कि दास अपने अनशन के दौरान सिर्फ पानी ही पीते थे। ऐसे में जेल अधिकारियों ने इनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर एक योजना बनाई। उन्होंने इनके पानी में कुछ गोलियां डाल दी जिससे इनके शरीर की कुछ ताकत बची रहे। लेकिन जब दास को इस बात का पता चला तो उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। इसके बाद दिन ब दिन इनकी हालत खराब होती चली गई। कुछ जेल अधिकारियों के समझाने के बावजूद इन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा और कहा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। ऐसे में जेल अधिकारियों ने इन्हें जबरदस्ती पकड़कर इनकी नाक में एक नली डाल दी। फिर उस नली से इनको दूध पिलाने का प्रयास करने लगे, मगर अपनी बात पर अटल रहते हुए दास ने अचानक एक झटके में ही उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, जिसके बाद दूध इनकी सांस की नली में चला गया और दास को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अंग्रेजों की इस करतूत के बाद दास की हालत नाजुक हो गई और अनशन के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतेंद्रनाथ दास ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई किरण चंद्र दास को कोलकाता बुलाया गया। आगे लाहौर से इनके शव को ट्रेन से ले जाने की तैयारी की गई। उस समय लाहौर शहर थम सा गया था। इनकी अंतिम यात्रा देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, जिसको देखकर ब्रिटिशर्स की नींव हिल गई। दास को गुलाब बहुत पसंद था, इसीलिए उनका शव गुलाब के फूलों से पूरी तरह ढक गया था। बहरहाल इनके शव को ट्रेन से ले जाया गया। इनकी अंतिम यात्रा में कई महान क्रांतिकारियों ने भी हिस्सा लिया था, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। जिस भी जगह पर ट्रेन रुकती वहां पर लोग इस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते, और जब इनका शव कोलकाता पहुंचा तो लाखों की संख्या में लोग इनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। आगे चलकर भारत सरकार ने इनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।